हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्विगी में एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन हो सकते हैं और आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो टाइप की इनकम प्रोवाइड की जाती है। नंबर एक, आप यहाँ पे एक फिक्स सैलरी पे काम कर सकते हैं, और नंबर दूसरा, आपकी मेहनत पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितने ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। और आप यहाँ पे जितने ऑर्डर कंप्लीट करेंगे उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे अर्निंग होगी, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट दी जाएगी। सो आज मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्विगी में ज्वाइन हो सकते हैं और आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, और साथ ही आपको स्विगी में ज्वाइन होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, right.swiggy.com/en। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ओके, यहां पर आने के बाद सबसे पहले आप यहां राइड विद अस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहां पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा कि सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ रजिस्टर विद अस। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम इंटर करेंगे, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में इंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोन नंबर इंटर करना होगा, फ़ोन नंबर आपको वही इंटर करना है जो कि एक्टिवेट हो और जिसमें आप हर बार रिचार्ज करवाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सिटी इंटर करेंगे, जो भी आपकी सिटी है उसे आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे आप अपना व्हीकल चूज़ करेंगे, आप यहाँ पे किसके थ्रू डिलीवरी ले जाना चाहते हैं, साइकिल के थ्रू या फिर बाइक के थ्रू। अगर आप यहाँ पे बाइक का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके पास आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही आपके गाड़ी की आरसी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाइसिकल की यानी कि साइकिल का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके पास इन दोनों चीज़ों की होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी रेफरल कोड है तो आप उसे यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे लिखा चुका है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, वन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू बैक। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी नंबर फिलअप किया, आपके इस नंबर पे स्विगी के एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा, वो आपसे बात करेगा कि आगे का प्रोसेस क्या है और आपको यहाँ पे क्या करना है, और साथ ही आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह को कन्फर्म करेगा। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप यहाँ पे पेमेंट ले सकें। और अगर आप यहाँ पे बाइक का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके पास आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही आपके गाड़ी की आरसी होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिर आपको अपने स्मार्टफोन में आ जाना, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप। उसके बाद आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने सारे काम को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। तो आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे कि आपको कहाँ पर डिलीवरी ले जानी है, किस पर्सन को देनी है, और आपको यहाँ पर ऑर्डर पर कितनी अर्निंग हो रही है, लोकेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर इसी एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज करेंगे। और आप यहां पे अपनी वीकली पेमेंट भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं, आपको हफ्ते हफ्ते में यहां पे पेमेंट दी जाती है। तो आप यहां पे वीकली अर्निंग देख सकते हैं। अगर आप यहां पे एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं तो इसकी कोई बात ही नहीं, आपकी एक फिक्स सैलरी होती है। अगर आप यहां पे एक ऑर्डर कंप्लीट करें या फिर 10 ऑर्डर कंप्लीट करें, आपकी एक फिक्स सैलरी रहेगी। और जो पर्सन फिक्स सैलरी में काम नहीं करते, उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है, वो जितने ऑर्डर कंप्लीट करेंगे उसी हिसाब से उनकी अर्निंग होगी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आप स्विगी में एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन हो सकते हैं और आप यहाँ पे हर महीने काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।